आज डेट है 17 मार्च 2024, टाइम हो चुका है शाम के 5:15, 1:07 आप गुरमानी स्टेशन से चला ही है, तो अगले 5 से 6 मिनट्स में सनामा पहुंचेगी। और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU 2803080 30, और ये देखें गाड़ी की लाइट्स विजिबल होती हुई नज़र आ रही होंगी आपको। तो 8030 आज अगेन जो है लिंक पर आ गया, यानी 1:07 आपके साथ, तो देखते हैं फिर सनामा लेवल कासिम से पास होते हुए 1:07 अब 8030 के साथ। बाकी खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस की काफ़ी सारी यानी कि न्यूज़ आ रही हैं कि 1 मई से चल रही है, और कुछ लोग तो 2-3 दिन पहले फ़ोटोज़ भी भेज रहे थे, इसमें डीजी खान स्टेशन पर जो है ना उन्होंने कहा है कि वर्किंग स्टार्ट हो गई है, यानी ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से। और उधर जो यानी कि स्टेशन पे बोर्ड लिखे होते हैं हर स्टेशन पे, तो उधर जो डीजी खान स्टेशन का बोर्ड था वो भी बिल्कुल जो है ना न्यू बना हुआ था। तो वैसे अपना मैं आपको बताऊं तो हमें तो कोई भी ऐसी जो है ना न्यूज़ नहीं मिली, यानी कोई भी खबर ऐसी नहीं आई कि डीजी खान स्टेशन पर वर्क शुरू हो गए, ये जो है ना किसी ने ऐसे अफवाह फैलाई है। और डीजी खान स्टेशन का जो बोर्ड था उसको जो है ना एडिटिंग करके और फ़ोटो जो है ग्रुप में भेजी है कि ताकि लोग समझें कि वाकई में डीजी खान स्टेशन पर वर्क स्टार्ट हो गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी डीजी खान स्टेशन पर कोई भी ऐसा काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, यानी ट्रैक की मेंटेनेंस के हवाले से, या जिसमें स्टेशन को पेंट किया गया हो, या स्टेशन के बोर्ड को पेंट किया गया हो, या गाड़ी के। कुछ लोग तो इतनी अफवाहें फैला रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 1-2 दिन में रेक भी तैयार होकर आ जाएगा, जबकि ऐसी कोई भी खबर नहीं है दूर दूर तक। अब मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था अपनी वीडियोज़ में कि पाकिस्तान रेलवे के पास जो है एक्सप्रेस कोचेज़ की डिमांड जो है 1400 है, और 1100 कोचेज़ पाकिस्तान रेलवे के पास हैं जिनसे वो जो है एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है, ठीक है, या गुड्स ट्रेनें। तो आप खुद सोचें, पहले ही यानी कि कोचेज़ की तादाद कम है, क्या अब अगेन एक ट्रेन चलाई जाएगी 10 कोचेज़ वाली, वो भी जो लॉस में चल रही थी, यानी इतना लॉस वाली ट्रेन, क्या आप क्या कहेंगे, यानी चलती है चलेगी? तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये सब जो है ना लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं, यानी कोई भी स्टेशन पर उधर डीजी खान साइड पर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, कोई भी ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह का काम शुरू नहीं हुआ, और ना ही खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस का रेक वगैरह तैयार हुआ है। अगर चलनी भी होती तो आज जो है ना 17 मार्च हो चुकी है, ठीक है, यानी 1 महीना 13 दिन सारे रहते हैं, तो अभी तक कोई RMC वगैरह भी नहीं चलाई गई, ठीक है। अब सिंपल सी आपको मिसाल दूं, अगर DS स्पेशल ट्रेन भी आ जाए हमारे सेक्शन पर यानी कुंदिया सेक्शन पर, तो उसके लिए भी यानी कि वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 1 मंथ पहले। यानी अगर स्टेशन वाले सारे जो है PWI या AWI सुन लेते हैं कि DS स्पेशल ट्रेन आएगी फ़लां तरीक को, यानी 1 मंथ के बाद, तो वो भी यानी कि ट्रैक पर काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ DS स्पेशल ट्रेन के लिए। तो जब एक स्पेशल ट्रेन चल रही है बैंडेड सेक्शन पर जो काफ़ी अर्से से बंद है, तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए तैयारियां अभी तक शुरू नहीं होनी चाहिए थी? यानी सिर्फ 1 महीना रहता है, तो 1 महीने में क्या होगा, आप खुद बताएं। क्या आपको लगता है कि यानी कि एक वैरान सेक्शन 1 महीने में इतना जल्दी बन सकता है, यानी उसकी ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह और स्टेशनों पर अगेन यानी कि अमल आएगा सारा, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है इतना जल्दी? यानी कुछ एरियाज़ उसमें डीजी खान सेक्शन में राजनपुर साइड पर कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है ना ट्रैक पर बड़े बड़े दरख्त उग गए हैं, तो आप खुद सोचें 1 महीना और 13 दिन सारे रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप हम लोगों की बात मान लें जो अफवाहें वो फैला रहे हैं कि गाड़ी वाकई में चल रही है, तो 1 महीना 13 दिन में क्या होता है मुझे ये बताएं। ट्रैक की मेंटेनेंस होगी, स्टेशन की पेंटिंग होगी, यानी कि रेक तैयार होगा, या और भी काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स होंगी, यानी वो होंगी, या फिर इतना जल्दी यानी कि कैसे हो सकता है? तो आज क्लियर कट बात है, यानी आपने ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी सारे व्यूवर्स मेरे जो है ना कमेंट भी कर रहे थे कि खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस कब चल रही है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी के चलने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। ये जो भी लोग यानी कि बातें कर रहे हैं गाड़ी के हवाले से, ये सब झूठ हैं, यानी कोई भी रेक वगैरह भी तैयार नहीं हुआ अभी खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस का। अब जब थाल एक्सप्रेस चल रही थी यानी 2021 में, तो उसका रेक भी तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले बनना स्टार्ट हो गया था, अब इसका सिर्फ 1-1.5 महीना रहता है, तो अभी तक इसका रेक का यानी कि ऑर्डर भी नहीं आया रावलपिंडी वर्कशॉप में। मैंने कुछ दिन पहले उधर मेरा एक बंदा वाकिफ है वहाँ से पूछा है, तो उसने कहा कोई ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं आया यानी खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस के रेक के हवाले से। अभी पाकिस्तान रेलवे का पुराने यानी कोचेज़ से वो काम चला रहे हैं, किसी ट्रेन की कोचेज़ 18-16 कर देते हैं, किसी की 7-8 कर देते हैं,
छः से पाँच कर देते हैं, वो ऐसे काम चला रहे हैं। और आप क्या लगता है कि न्यू ट्रेन चलाई जाएगी? जहाँ तक हमारा ख्याल है बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है यानी खुशहाल खान खट्टा का एक्सप्रेस के चलने के। और डीजी खान सेक्शन अभी तक हमारे अंदाज़ के मुताबिक ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसे अभी वैरान है। अगर ट्रेन चलनी भी होगी तो बहुत जल्द यानी इसी महीने में कोई ना कोई RMC डीजी खान सेक्शन पर चलाई जाएगी। RMC का मतलब होता है बैलेंस ट्रेन, यानी जो ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह के स्लीपर्स और सारा सामान उसमें लोड होता है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई भी अगर न्यूज़ आए खुशहाल खान खट्टा एक्सप्रेस के बारे में चलने के लिए या थाल एक्सप्रेस प्राइवेट रनिंग वाले से, मैं अपने चैनल पर लाजमी शेयर करूंगा। अभी 1-7 अब पिछले फाटक पे आ गई है तो देखते हैं 80-30 के साथ, और मैं अपनी पुरानी जगह पर बैठूंगा यानी फाटक पर स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड सुनने के लिए। ट्रेन के लिए अब फाटक क्लोज है। कुछ अरसा पहले ये भी मंजर होता था कि गाड़ी बिल्कुल करीब आ जाती थी और फाटक इधर कोई यानी फाटक वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो लोग गुजरते रहते थे, गन्ने की ट्रालियाँ, ट्रैक्टर जो भी यानी कि चीज़ें थी, तो सारी ट्रैफिक जो है इधर से गुजरती रहती थी, गाड़ी बिल्कुल करीब आ जाती थी, फिर जाके लोग जो है ठहरते थे फाटक पे। अब तो ऐसा नहीं है यानी अब तो फाटक लग गया ना इधर। तो